मैं जब भी अपने हस्बैंड को या फिर अपने बेटे को बोलती कि शिप्रा मैम से ये पूछ लो, तो तुरंत उसका जवाब मिल जाता हमें। मैम ने हर यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को अच्छे से बताया कि ये इसमें ये फैसिलिटीज़ है, इसमें ये एक पूरा फैमिली बिहेवियर लगा मेरे को। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। माय नेम इज़ शिप्रा गोयल। आज जतिन और उनकी पूरी फैमिली जो कि पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, जहाँ पे मेडिपीडिया की वाइट कोट सेरेमनी अरेंज्ड है, वहाँ पर हैं। और देखते हैं कि जतिन कितने एक्साइटेड हैं एंड कैसे उनको मेडिपीडिया के बारे में पता चला, कैसे उनके ब्रदर ने उनको एडमिशन सपोर्ट में प्रोवाइड किया, कैसे फैमिली ने सपोर्ट किया, उनका ओवरऑल मेडिपीडिया के साथ एक्सपीरियंस कैसा गया, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की। जतिन आप सारा बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, हाउ यू केम अक्रॉस। माई नेम इज़ जतिन जांगरा। सो माई मेरे पापा ने के फ्रेंड ने के थ्रू ही हम मेडिपीडिया में आए थे, और फिर इतना फैमिलियर मतलब बिहेवियर लगा हमें, इतना ट्रस्टेबल, तो अच्छा खासा ट्रस्ट बन चुका है। जैसे कि आपकी शुभम सर से बात हो रही थी, राइट, शुभम सर से मतलब कैसा लगा, उन्होंने फ़ोन पे आपको कैसा गाइड किया? मैम गाइडेंस बहुत अच्छी थी, जैसे कोई फैमिली मेम्बर ही बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा। सो मेरे साथ जतिन के ब्रदर हैं जो कि शूटिंग चैंपियन हैं। मैं शिप्रा मैम के पास मेडिपीडिया दिल्ली ऑफिस में आया था, जो कि जनकपुरी वेस्ट में है, और मैम ने मेरे को अच्छी तरह गाइड किया। मैम ने हर यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को अच्छे से बताया कि ये इसमें ये फैसिलिटीज़ है, इसमें ये, एक पूरा फैमिली बिहेवियर लगा मेरे को। और मैम से जब भी हमें कोई भी बात करते थे, मैम कुछ भी पूछते थे, मैम उसका तुरंत जवाब दे देते थे, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम के गाइडेंस में हम अपने भाई को भेज रहे हैं। नितिन बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं दिल्ली में, है ना, तो मेडिपीडिया ही क्यों? मैम उन पे हम डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या कारण है उसका? एक तो गवर्नमेंट वेरीफाइड, सबसे बड़ी बात। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट वेरीफाइड। यस, मेरे फादर खुद आर्मी में है, और मेरे फादर ने और मैंने बहुत जगह विजिट किया था, लेकिन इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मेडिपीडिया में आने के बाद हमें ये लगा कि अब हाँ, यहाँ से हम पूरा प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए जानते हैं उनके मदर को कैसा लग रहा है, बेटा बाहर अपना MBBS का सपना पूरा करने जा रहा है, एंड आई नो वो एक्साइटेड भी होंगी, प्लस ये भी है कि बच्चा जा रहा है, तो जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा गया। तो मैं उनके पास चली जाती हूँ, तो मैम मुझे ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल। मैं जब भी अपने हस्बैंड को या फिर अपने बेटे को बोलती कि शिप्रा मैम से ये पूछ लो, तो तुरंत उसका जवाब मिल जाता हमें, और मेरे को बहुत खुशी होती कि मेरा बेटा पहली बार विदेश जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बिल्कुल, और हमें लगे नहीं रहा शुरू से और आखिर तक, और इसके लिए हमने एक साल ड्रॉप करवाया अपने बच्चे को, फिर हमने चंडीगढ़ किया, मेडिपीडिया मिला हमें, फिर बेटे ने यहाँ दिल्ली में देखा, बोले मम्मी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बहुत अच्छा लगा हमें मेडिपीडिया के साथ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी मेडिपीडिया की आप फैमिली मेम्बर हैं, है ना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई नो कि पेरेंट्स टेक लॉट ऑफ एफर्ट अपने बच्चों को MBBS कराने के लिए, बच्चे से भी ज़्यादा एफर्ट पेरेंट्स का होता है अगर बच्चा डॉक्टर बन रहा है।